आप कह रहे हैं कि बिहार में आपकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके लिए आप फंड की व्यवस्था कहां से करेंगे? हम लोग डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग की सबसे बड़ी व्यवस्था देश में खड़ी कर रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको देश में ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया भी एक जरिया हो सकता है चुनाव प्रचार प्रसार का, वैसे ही बिहार जैसे राज्य में मैं एक व्यवस्था खड़ी कर रहा हूँ जहाँ घर बैठे लोग अपने मोबाइल के जरिए जन स्वराज की इस व्यवस्था को डोनेट कर पाएंगे। हम लोग का लक्ष्य ये है बिहार के 13 करोड़ आबादी में से कम 2 करोड़ आबादी से 2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया चंदा लिया जाए बैंकों के जरिए। अगर 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया भी देंगे तो जन स्वराज के खाते में 200 करोड़ रुपया होगा और 200 करोड़ रुपया 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी है। अब आप कहेंगे पहले से क्यों नहीं हुआ है? पहले से इसलिए नहीं हुआ है कि एक तो पैसा देने की व्यवस्था नहीं बनी हुई है कि कैसे दिया जाए, प्लस लोगों में वो जागरूकता नहीं है। लोग तो समझते हैं नेता पहले से लूट के बैठा हुआ है, इसको क्यों पैसा दें। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे कि बिहार चाहे जितना भी गरीब हो, 2 करोड़ लोग तो ऐसे जरूर हैं जो कि 100 रुपया दे पाए। तो हम लोग गाँव में जाकर क्या कह रहे हैं कि अगर तुम 100 रुपया साल में दे दोगे तो तुमको राशन कार्ड बनाने में 2,500 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम 100 रुपया दोगे तो तुमको इंदिरा आवास के लिए 20,000 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा। तुम्हें पासपोर्ट वेरिफिकेशन में 1,500 रुपया नहीं लगेगा। जो तुम्हारे जेब से पैसा लग रहा है, दाखिल खारिज में रसीद काटने में 20,000 रुपया लग रहा है, तुम 100 रुपया दो, तुम्हारा नेता ऐसा व्यक्ति होगा जो तुमसे ये पैसा नहीं।